वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीपियन गार्डनिंग एंड टूरिज्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपियन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों, मैं हूं अभी गोगा मेडी मंदिर परिसर के सामने और यहां रोड का काम चल रहा है, ये देखिए। दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे एक स्पेशल कारण है। यहाँ की जो स्थिति है वो देख कर ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि दोस्तों जितने भी भक्त आते हैं बाबा के दर पर, वो इतना ज़्यादा यहाँ कचरा छोड़ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सामने दृश्य देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ। दोस्तों, गोगा मेडी मंदिर हमारी देवभूमि है, इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। हम दूर दूर से बाबा के दर पे आते हैं दर्शन के लिए और हम यहाँ कचरा छोड़ के जाते हैं, ऐसे ही, मतलब जहाँ मन किया वहाँ डाल दिया कुछ भी। मेरा मानना है कि भक्तों को ये चीज़ शोभा नहीं देती, क्योंकि दोस्तों जो देव घर है अपना, उसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देव आते हैं, वहीं भगवान आते हैं। और ये तो भगवान का घर है दोस्तों, भगवान का मंदिर है, भगवान का बसेरा है। इस बसेरे को आप गंदा कर रहे हो, ये कतई सही नहीं है। दोस्तों, मैं यह बात भी जानता हूँ कि यहाँ जितनी संख्या में भक्तों का आना जाना है, उतनी संख्या में इस मंदिर परिसर में सुविधाओं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, टॉयलेट वगैरह नहीं बने हुए, और प्रशासन भी इस मामले में अभी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये मंदिर कोई ट्रस्ट नहीं है, ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर आता है, सरकारी मंदिर है। तो यहाँ जितनी भी सुविधा या जितने भी निर्माण कार्य करवाए जाएंगे वो सभी के सभी सरकार द्वारा करवाए जाएंगे। तो सरकार से भी मेरी अपील है, अगर मेरी ये आवाज़ सुन रहा है कोई बड़ी रैंक का अधिकारी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टॉयलेट और सफाई की व्यवस्था का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ये मेरी अपील है। दोस्तों, पिछले 2 साल से मेला नहीं लग रहा। यहाँ के आजू बाजू के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके खेतों में या उनके गांव में अभी इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हुई है जितनी हर साल यहाँ होती है। यहाँ के लोग मेला न लगने के कारण खुश हैं, अंदर से खुश है दोस्तों, क्योंकि इतनी भारी भयंकर यहाँ भीड़ आती है, वो इतनी गंदगी यहाँ फैला जाती है कि महीने 2 महीने तक इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यात्री आते हैं बाबा के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं, परंतु अपने पीछे जो गंदगी का, कचरे का ढेर का जो मंजर छोड़ जाते हैं, उससे जो लोकल दुकान वाले हैं या लोकल गांव वाले हैं वो परेशान सबसे ज़्यादा यहां होते हैं। दोस्तों, भादवे का मेला ख़त्म होते ही बारिश के कारण एक तो यहां का जो माहौल है वो चिपचिपा होता है, और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ जो गंदगी फैलती है उस पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ होती है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आजू बाजू के गांव में महीने 2 महीने तक जैसे मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, वैसे यहाँ साधारण मक्खियों के झुंड इतने ज़्यादा फैलते हैं कि मैं उन शब्दों को बयां नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इस गांव का पूर्व निवासी मैं खुद रह चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं गोगा मेडी मंदिर परिसर में जो गंदगी फैलाई गई है, जो कचरे के ढेर लगाए गए हैं, उनका दृश्य आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। हालांकि दोस्तों 2 साल से मेला नहीं लग रहा, यात्रियों की संख्या यहाँ नाम मात्र है, उसके बावजूद यहाँ काफ़ी ज़्यादा कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये सामने आप दृश्य देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको पूरे के पूरे यहाँ आजू बाजू का दृश्य दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। मंदिर परिसर के बिल्कुल आजू बाजू कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ फैली हुई है, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और जो भी भक्तजन आएंगे दोस्त, अभी मंदिर ओपन होने के बाद जो वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है गोगा मेडी गाँव की, गोगा मेडी पंचायत की ओर, सभी की ओर से ये सभी भक्तों से निवेदन है कि बाबा के दर पे आएं, दर्शन कीजिए, कोरोना के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हुए आएं, कचरा पात्र में ही डालें, ऐसे ही यहाँ वहाँ न फेंके, मंदिर प्रांगण को स्वच्छ रखें, ये आपका कर्तव्य है। इसे अपने कर्तव्य मानते हुए हर वक्त गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प ले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ के जो दृश्य हैं, जो गंदगी फैलाई हुई है, चाहे वो दुकान वाले फैला रहे हैं या जो भक्तजन आ रहे हैं वो फैला रहे हैं,
उनका दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं। और एक बार फिर वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म सभी भक्तों से, सभी दुकानदारों से अपील करता है कि मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। ये दृश्य दोस्तों लेफ्ट साइड, मंदिर की लेफ्ट साइड का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ कितने बड़े ढेर हैं। और मंदिर प्रांगण के दोस्तों बिल्कुल सामने ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ढेर। और जो रेलिंग है, जो बैरिकेटिंग है, इसके आजू बाजू का दृश्य दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कचरा बिखरा हुआ है। ये इस साइड देखिए दोस्तों, जो प्रसाद है भक्त वो भी पाँव में डाल के जाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है दोस्तों, बाबा के दर पे आप आते हो और ऐसा कार्य करते हो जो गलत है। ये मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने दोस्तों जहाँ से दर्शन हो रहे हैं, और जो हवन कुंड बनाया गया है उसके आजू बाजू में आप देख सकते हो मंदिर प्रांगण के बिल्कुल सामने कितना बुरा दृश्य है दोस्तों। ये वो स्थान है जहां आप नंगे पांव आते हो, देखिए सब भक्त नंगे पांव खड़े हैं, मतलब आप चप्पल भी नहीं लेके आ सकते, इतना पवित्र है ये स्थान। इस स्थान पर इतनी आपकी श्रद्धा है और इस स्थान पर ये कचरे के ढेर। चलिए बाबा सब्बल सिंह बांवरी के मंदिर का भी दर्शन मैं आपको दिखा दूं, वहां भी दोस्तों यही स्थिति है। ये देखिए मंदिर के चबूतरे के राइट साइड में इस जाली के पीछे और सामने आप कचरा उड़ते हुए, पॉलीथीन उड़ते हुए यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, जो मंदिर परिसर के बिल्कुल आगे जहाँ दर्शन हो रहे हैं वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा दूँ नज़दीक। ये देखिए हवन कुंड के आजू बाजू, पूरे की पूरे मंदिर के आजू बाजू यही दृश्य है दोस्तों, सब तरफ कचरा ही कचरा नज़र आता है दोस्तों। ऐसी स्थिति देख के दिल को ठेस पहुंचती है। मेरा सभी भक्तों से एक क्वेश्चन है, क्या आपके घर में जो बाबा का मंदिर बनाया हुआ है आप इस तरह उसको भी गंदा करते हो? आपका आंसर होगा नहीं। तो ये भी बाबा का मंदिर है, यहाँ आपको आना है, बाबा को रहना है, और यहाँ का जो माहौल है वो स्वच्छ होना चाहिए। माहौल को स्वच्छ रखना ग्राम पंचायत या सरकार का कार्य नहीं है दोस्तों, ये हम सबका कार्य है, आपका है, मेरा है। जो भी इस मंदिर प्रांगण में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं सबका ये कार्य है। मंदिर के राइट साइड का दृश्य देख रहे हो दोस्तों, जो शेड बना हुआ है जहां भक्त आकर अपना हवन करते हैं इस कचरे के अंदर, क्योंकि वो मजबूर है, वो इतनी बड़ी जो यहाँ की दयनीय स्थिति है उसको नहीं बदल सकते। उन्हें जहाँ भी स्थान मिलता है हवन करने के लिए वो हवन करते हैं। और मंदिर परिसर के ऊपर आप देख रहे हो दोस्तों झाड़ू निकल रही है, परंतु नीचे कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज से जो भी भक्तजन आएगा इस वीडियो को देख रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहली चीज़ तो है कि सभी भक्तों तक ये बात मेरी पहुंचाएगा कि मंदिर को स्वच्छ रखना है। और जो भी भक्तजन आ रहा है, अभी मंदिर ओपन हो गया है, कोरोना के नियम के साथ साथ दोस्तों सफाई का भी वो ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 50,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन 50,000 लोगों से मेरी अपील है वो कम से कम 10 लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। तो 5,00,000 लोग बनते हैं दोस्तों, 5,00,000 लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जो स्थिति हम आज इस मंदिर की देख रहे हैं वैसी स्थिति आने वाले समय में नहीं देखेंगे। हमारा जो मंदिर होगा वो स्वच्छ होगा, साफ होगा। अब दोस्तों मैं मंदिर के आगे का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ जो भक्तजन इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं वहाँ का स्थिति है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्पोजल गिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मतलब आप मंदिर के किसी भी कोने में चले जाइए दोस्तों, मंदिर प्रांगण के किसी भी कोने में हर जगह आपको यही स्थिति मिलने वाली है, हर जगह। ये देखिए व्यक्ति नंगे पांव जा रहा है दोस्तों दर्शन के लिए, परंतु जो कचरा है वो यहीं छोड़ेगा, जो गलत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी भक्त मेरी इस मुहिम में, इस स्वच्छता की मुहिम में साथ देंगे। वो सब अपने जो जान पहचान वाले
भक्त हैं जो गोगा मेड़ी आते हैं उन तक मेरी ये बात पहुंचाएंगे, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी कचरे का काफ़ी बड़ा ढेर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और वो बताएंगे कि हम ये संकल्प लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम बाबा के मंदिर पे आएंगे तो ऐसा कचरा हम यहाँ नहीं फैलाएंगे, कचरे पात्र का ही हम उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आगे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर परिसर के, मतलब काफ़ी भयानक स्थिति है दोस्तों, यही मेरे शब्द हैं इनके लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।